अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 23 अगस्त, दिन है बुधवार। तो इस समय की दोस्तों सुबह की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखेंगे। इंतजार की घड़ियां समाप्त, छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। आपको बताया दोस्तों, कुछ दिन से छात्र मानसिक तौर पर परेशान थे, जिम्मेदार कौन है वो पूरी अपडेट देखेंगे। और आपको बता दें, अब वेबसाइट हमारी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रूफ के साथ हम आपके सामने आए। चलिए दोस्तों दिखाते हैं, पहले ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहाँ पर दोस्तों जो हमारा यूपी डीएलएड एडमिशन का प्रोसेस है, और यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट थी 21 अगस्त, लेकिन उसके बावजूद ये देख सकते हैं आज बुधवार का दिन है, सुबह 6:20 हो रहा है। ये पीएम गलत लिख दिया था, देखिए यहाँ पर भी पीएम लिखा, लेकिन यहाँ पर देखिए एएम लिख रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत इनकी साइट में दिक्कत है, लेकिन आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन एक बार फिर से हो रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, पहला स्टेप वो शुरू कर सकते हैं, एक मौका आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कुछ बच्चों के कमेंट्स भी हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं सर आप हमारा रिप्लाई नहीं करते। चलिए देखते हैं सभी बच्चों का रिप्लाई, अभी लाइव होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ठीक है। सर मेरी फीस सबमिट हो गई है, आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है, बहुत ट्राई किया, वेबसाइट बिल्कुल नहीं चल रही है, ठीक है। एक बच्चे का कमेंट ये है। अगला बच्चे का कमेंट, 232 नंबर, सरकारी कॉलेज मिलेगा कि उसको देखेंगे। अब देखिए एक बच्चे ने लिखा कि 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में करो, हो जाता है फॉर्म, मैंने आज ही किया। देखिए दोस्तों एक बच्चे का फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को यहाँ पर पहले दे दिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगला कमेंट, मेरा फॉर्म फिल हो गया, थैंक यू सर। देखिए दोस्तों अगर जो बच्चे रात में ट्राई करते हैं, हमने आपको सिंपल सी बात बताई, दिन में साइबर कैफे आपके ओपन हो जाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बच्चा खुद से कर रहा है उसके लिए बता रहे हैं कि रात में करना सबसे बेहतर होता है। साइट चलने लगी है, भरो जल्दी। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, थैंक्स भाई। पार्ट टू, रजिस्ट्रेशन में मार्कशीट नंबर कौन सा होता है, मार्कशीट कौन सा होता है। देखिए दोस्तों मार्कशीट नंबर क्या होता है, हाई स्कूल और इंटर का जो आप रिजल्ट होगा आपके पास ओरिजिनल वाला, ऑनलाइन रिजल्ट से मतलब नहीं होता। मार्कशीट नंबर की जब भी बात आएगी ओरिजिनल वाले में जाएंगे, वहां पर क्लियरली मार्कशीट नंबर लिखा रहता है। डेट बढ़ना चाहिए, जी हाँ अभी वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन चल रहा है तो डेट एक तरह से बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बच्चे करें कुछ कीजिए आप लोग पीएनपी पर, ठीक है, प्लीज रिप्लाई देना, क्या डेट बढ़ जाएगी। जी हाँ देखिए हमने कल आपके सामने एक वीडियो और एक पोस्ट भी किया था, वो दिखा भी देते हैं कौन सा पोस्ट था दोस्तों, देख सकते हैं ये वाला कि डीएलएड 2023 के ऑनलाइन आवेदन की तिथि में अतिरिक्त समय वृद्धि का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों शासन तक पहुंचने का मतलब है कि जैसे वहां से अप्रूवल आएगा तुरंत हम लोग की डेट बढ़ जाती है, ठीक है ना। अभी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन नहीं किया जा रहा, लेकिन सिंपल सी बात आपको पता है, आपका आवेदन हो रहा है, आपका काम हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। आप अपना नाम फिल करते हैं, ये सब करते हैं, वेबसाइट काफ़ी बेहतर चल रही थी। कि पेमेंट वाला पेज हम लोग ओपन करने की कोशिश करते हैं, सर्विस अनअवेलेबल, लेकिन प्रयास करना। देखिए टाइमिंग क्या, सुबह 6:23, ठीक है, ये भी तो समझिए ना, सुबह 6 बज गए हैं, तो उतनी अच्छी वेबसाइट अभी नहीं चलेगी जितनी अच्छी रात में चली होगी। और काफ़ी बच्चों ने देखिए कर लिया, ठीक है ना सर, साइट बिल्कुल नहीं चल रही है। देखिए 7 घंटे पहले, देखिए हर बच्चों का कमेंट का टाइमिंग देखिए अलग अलग है, तो उसके हिसाब से जरा देखिए। एनी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन टाइम एक्सटेंशन, देखिए प्रूफ क्या है कि अब आपके सामने, ठीक है, हो रहा है ना, बाकी चलिए एक नोटिस का वेट कर रहे हैं ऑफिशियल वाला। रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, फीस डिपॉजिट ठीक है। उसके बाद थैंक यू सर, अब अगला कमेंट देखते हैं। पेमेंट में वैल्यू कैन नॉट बी, देखिए ये कुछ जगह आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन हमेशा नहीं होता, इसको जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा आपका पेमेंट हो जाएगा। साइट नहीं चल रही है, क्या डेट बढ़ सकती है, बिल्कुल डेट बढ़ चुकी है और आपका आवेदन हो रहा है, ठीक है ना सर, अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। जी हाँ देखिए जिन बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, वीडियो को देखने के बाद तुरंत करें। आप देखिए दोस्तों कितना बढ़िया, पेमेंट गेटवे का पेज खुल गया, रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालिए, पेमेंट करिए, ठीक है ना सर। पार्ट टू कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सर, सर्वर नहीं चल रहा है, पेमेंट हो गया है सेकंड स्टेप। देखिए पार्ट टू भी हो रहा है, अब सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों कमेंट, थैंक्स, ठीक है थैंक्स, ठीक है प्लीज रिप्लाई करना सर। सर मेरे 10वीं में 90%, 12वीं में 86 है, मैथ से और बीएससी में ओवरऑल 73, ठीक है, तो मुझे सरकारी मिल जाएगा डेफिनेटली, इन सब बच्चों को तो 100% सरकारी कॉलेज मिलेगा। अब जैसे 90% जोड़ लीजिए और 86,
और दोस्तों 73, मतलब गजब के परसेंटेज है। देखिए अब जिन बच्चों का परसेंटेज कम है ना, वो ये कमेंट देख के डीमोटिवेट नहीं होंगे। एक बात अभी आपको इस वीडियो में और बताएंगे कि सबसे बड़ा फ्रॉड डीएलएड में क्या होता है। अब इस बच्चों का देखिए जो परसेंटेज बनेगा लगभग 250 के करीब। सर डीएलएड की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ेगी क्या? जी हाँ सर, डेट बढ़ेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं दिल्ली से हूँ। ये वाला फॉर्म फिल करने के बाद क्या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ? एक बात ज़रा ध्यान रखिए, जो बच्चे यूपी में रहते हैं ठीक है, या आप कहीं पर भी रहते हो देश में, लेकिन आपके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ठीक है ना। तो निवास प्रमाण पत्र यूपी का होगा तो आप एडमिशन ले सकते हैं, नहीं है तो नहीं ले पाएंगे। बढ़नी चाहिए डेट सर, बिल्कुल बढ़नी चाहिए सर। कल रात से आज रात हो गई फीस पेमेंट सिलेक्ट ऑप्शन के बाद सर्वर एरर, मैं परेशान हो गई क्या? देखिए बीच बीच में वेबसाइट चल रही फिर नहीं चल रही, इसको जरा ध्यान रखेंगे। भाई आप कानपुर से हो क्या? नहीं फिलहाल अभी तो वाराणसी से हैं, और ऐसी वीडियोस आपकी दिल्ली से बनती हैं। अरे भाई पेमेंट नहीं हो रहा है, कई दिन से परेशान। देखिए सही समय पर आपको अगर पेमेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो आप लोग को परेशान ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आप ये कहिए कि आज हम सुबह 9 बजे से बैठ जाएंगे, रात के 9 बजे तक बैठे रहेंगे, आप बिजी टाइम में ही जाएंगे तो फिर देखिए दिक्कत होगी ना। अब कभी भी आप अपने शहर में घूमते हो, चलिए एकदम आसान एग्जांपल लेते हैं। अगर आप दोस्तों रात के 12 बजे निकलेंगे, आपके गली मोहल्ले में कोई रहेगा, ट्रैफिक कितना रहता है? लगभग 0 हो जाता है। 2 बजे रात और जाता है 0, मतलब जैसे मान लेते 12 बजे रात 10 लोग घूमेंगे, 2 बजे रात 3 बजे रात कम होते जाते हैं। अब दोस्तों ये दोपहर के 12 बजे चले आइए, भले कितनी धूप रहे लेकिन ट्रैफिक रहेगा, लोग भीड़ में दिखेंगे ठीक है ना। तो इसको जरा ध्यान रखिए, जितना कम भीड़ उतनी अच्छी वेबसाइट चलती है, आसानी से आपका हो जाएगा। अब जरा दोस्त इस वीडियो में देख लेते हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ेगी, भी क्या स्टेप होना है। दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया वो 24 अगस्त कल तक, देखिए यहाँ पर डेट लिखी है कि कल तक दोस्तों आप लोग का जो भी रजिस्ट्रेशन या प्रोसेस है, यहाँ पर इसको रुको दिखाते हैं ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको अभी लॉग इन कर दें तुरंत, तो हमारा जो पेमेंट है या पार्टी का है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहुँच गए, देखिए सर्विस अनअवेलेबल लिख के आते हैं, इससे आपको डरना नहीं ठीक है ना। आपको प्रयास करना, ये मत सोचिएगा कि भैया वेबसाइट ठीक हो गई तो तुरंत के तुरंत सारा काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन सब गलत फहमियों में मत रहिएगा। जरा देखिए हम आपको फिर से बताते चले, सरकारी कॉलेज के लिए कितनी मेरिट आपको चाहिए होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप से आते हैं और ईडब्ल्यूएस से, तो दोस्तों हमने जैसा कि बताया था कि जनरल में 235 प्लस से कम में काम नहीं चलेगा, 220 से ऊपर होना चाहिए ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में भी 220 प्लस ठीक है ना, एससी कैटेगरी में 210 प्लस और एसटी में 200 प्लस और उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप में 200 प्लस। अब आपको बता दें जो सबसे बड़ा स्कैम होता है, फ्रॉड होता है डीएलएड में, अभी आपको बता दें कि जो अभी क्या हो रहा है ना, आज की डेट में आप आवेदन कर रहे हैं, आपने एक से ज़्यादा बार रजिस्ट्रेशन किया होगा। आपको बता दें डीएलएड में बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना जो कम से कम दो दो बार पेमेंट देते हैं, कितनी बार? 2 बार ठीक है ना। अब क्या होता है, सबसे पहले स्टेट रैंक जारी की जाती है, मान लीजिए पहली रैंक 1 से लेकर 50,000 तक के बच्चों को आप फर्स्ट चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग में मौका दिया जाता है जैसे ठीक है। अब मान लेते दोस्तों किसी भी डायट कॉलेज में 100 सीटें हैं, मान लेते दोस्तों 100 में से 20 सीट में ऐसे बच्चे आते हैं जो कि बिल्कुल फेक होते हैं, मतलब दोस्तों गलत नंबर डाल देते हैं, दिखाएंगे उनका 250 नंबर है, एक्चुअल में उनका होता है 230 ठीक है ना। तो ये 250 वाला जो भी आपका रहता है ये सारा बाद में रिजेक्ट होता है ठीक है, कैंसिल होता है। लेकिन दोस्तों जब आप लोग आवेदन पहुँचेंगे सेकेंड फेज में, जब तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब नहीं होता तब तक ये दिक्कतें बनी रहती ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों का एडमिशन बाद में कैंसिल होता है, उसके बाद भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो तरीके दोस्तों बहुत हैं, अभी आप लोग जब डीएलएड में आ रहे हैं, एंट्री होगी आपकी, तो आप समझेंगे कि कैसे कैसे जुगाड़ तरीका लगता है। 2023 में एडमिशन लेने से पहले इन बातों को रख के ध्यान, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो पहले कॉलेज के बारे में पता कर लीजिएगा, जाइएगा 10 मिनट का समय लगा के अपना कॉलेज में जाके पूछ लीजिएगा, वहाँ पर जो भी उनके एचओडी होंगे आपके ठीक है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसके लिए, आपके डीएलएड के लिए ठीक है, जो भी मेन इंसान हो उस कॉलेज में पूछ लीजिएगा कि भैया हमें रेगुलर क्लास तो नहीं करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे होते हैं एडमिशन लेने के बाद सोचते हैं कि हमें कॉलेज ना जाना पड़ेगा, बहुत जगह दोस्तों रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो भी आपको बिल्कुल फ्री में, खाली आपकी जो फीस लगेगी वही लगेगी और कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। लेकिन
अब एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं तो हो सकता है आपसे कुछ पैसे मांगे जा सकते हैं। ये बात आप एडमिशन से पहले खुद क्लियर करिएगा। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से जाएंगे तो फिर आप दिक्कत हो पाए, ठीक है ना। देखिए होता क्या है, जब चॉइस फिलिंग होगी, स्टेट रैंक जारी होगी, तो उसके बाद आप लोग कॉलेज का नाम डालेंगे। पहला तो सभी बच्चे डायरेक्टली डालते हैं कि सरकारी मिल गया, फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर का प्राइवेट डालते हैं मैक्सिमम वही मिल जाता है। तो अगर आपने किसी कॉलेज का नाम ए टू जेड ले लिया तो आप उसी कॉलेज का नाम डालेंगे ना जहाँ पहले बात कर रहे थे। ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो सरकारी कॉलेज या प्राइवेट से कोई मतलब नहीं होता, सभी में नौकरी एक साथ ही भाई मिलती है। ये मत सोचेगा कि सरकारी में पहले मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर 21 अगस्त की अभी दिख रहा है, यहाँ पर अभी कुछ संशोधन नहीं किया गया है। फिलहाल वेबसाइट काम कर रही है, पेमेंट नहीं हुआ तो तुरंत करके अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। काफ़ी बेहतर वेबसाइट चल रही है कल के मुकाबले अगर हम बात करें। चलिए दोस्तों, और आपके जो भी कमेंट्स आएंगे उसका भी रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे निगेटिव कमेंट भी करते होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को रिप्लाई मिला होगा। और बाकी आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर जानते ही हैं, नहीं जानते चलिए सेव कर लीजिएगा। आगे डीलेट में कभी भी कुछ काम पड़ेगा, जैसे वीडियोस कैसे पढ़ना, मैथ, हिंदी कुछ भी, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर हमारा 8738079217 8738079216, ठीक है। हमारा नाम क्या है, हमारा नाम है विनय सिंह, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा व्हाट्सएप नंबर 8738079216, ठीक है। और व्हाट्सएप पर मैसेज करा करिए तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखा करिए, आप लोग अपना नाम और आपको अपनी सिटी मेंशन कर दिया करिए कि आप लोग कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, तो सही है। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।